देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स विद द सेंटर एट ओरिजिन इज 1/3 इफ वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू 9. ठीक है, एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स दिया, देखिए डायरेक्ट्रिक्स दिए एक्स इक्वल टू 9, अगर डायरेक्ट्रिक्स एक्स के टर्म में दिए तो हॉरिजेंटल होगा, y के टर्म में दिए तो वर्टिकली, ऐसा हो गया. इसका मतलब, इसका मतलब एक बात डिसाइडेड हो गई कि इसकी इसेंट्रिसिटी, एक तो आपको 1/3 दिए और ये पक्का है कि a की वैल्यू b से बड़ी होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है. अब अगर मैं ऑप्शन में जाऊं तो ये ऐसा लिखा है बेटा, तो ये आंसर तो डिफॉल्ट रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसमें ये खत्म हो गया, यानी ये ऐसे ये भी खत्म हो जाएगा. अब इधर आए हम तो देखिए क्या दिया है, 8, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 1. अच्छा, इसेंट्रिसिटी 1/3 आएगी ही जब जब कहीं ना कहीं 9 आए, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता, तो आप डायरेक्ट लगा सकते थे ये, फिर भी आप निकाल लें. इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ये होता है, तो ये हो गया देखिए अंडर रूट 1 - 8/9, दिस इज 1/3. कितने स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बने हैं, कैसे आपने अपने पूरे साल या पिछले 6 महीने या 2 साल में पढ़ाई की, उस पर ये डिपेंड करता है कि आप कितने लॉजिकल तरीके से पढ़ते हैं. नोट डाउन क्वेश्चन.